and you're watching Exposed India. हरियाणा के झज्जर में रैबीज वैक्सीन इंजेक्शन न मिलने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पताल और प्राइवेट दुकानों पर भी इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते लोगों को गुरुग्राम और दिल्ली में जाकर इलाज कराना पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर इलाज ठीक समय पर नहीं हुआ तो मरीजों की मौत भी हो सकती है। वहीं डिप्टी CMO डॉक्टर मुरारी का कहना है कि जल्द ही मरीजों को इस समस्या से निजात मिलेगी। इनकी दिक्कत आ रही है मेडिकल में, ना बाहर है ना मेडिकल में, तो क्या दिक्कत आ रही है? एक्चुअली रैबीज की जो वैक्सीन है वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहीं से सप्लाई इसी शॉर्ट है। अभी ऑर्डर हमने कंटिन्यू किए हुए हैं, तो बीच बीच में ऑर्डर जो है कभी 50 वायल आ जाती हैं, कभी 30 वायल आ जाती हैं, तो कंज्यूम हो जाती है एक दो दिन में। ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं, कंटिन्यूस हम कॉन्टैक्ट में हैं, तो पीछे से ही है ना कंपनी से सप्लाई है, शॉर्ट है इसकी। मरीज है जो इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि बाहर भी नहीं है, मेडिकल में भी नहीं है और गुड़गांव और दिल्ली जाना पड़ रहा है। हाँ, ये बात ठीक है, उनका कहना ठीक है, क्योंकि सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही शॉर्ट है और वेयर हाउस में भी उपलब्ध नहीं है, तो इस करके थोड़ा सा ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, पर जैसे जैसे हमें उपलब्ध होती जा रही है उतना तो हम लगा ही रहे हैं, तो बीच बीच में शॉर्टेज हो जाती है इसकी। तो इससे क्या नुकसान होता है सर? नुकसान तो मतलब इसका यही है कि मतलब इमीडिएटली तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो इसको हम वैक्सीन जो लगाते हैं तो लगभग एक महीने में 5 डोजेज लगते हैं, तो इनिशियली तो हाँ अगर रैबिड डॉग है वह इन्फेक्ट है तब उस कंडीशन में यह है कि हम उसके इसको फिर PGI भेजते हैं, वहाँ से जो है इसके इम्यूनोग्लोबिन और वैक्सीन दोनों फिर वहाँ से लगवा।